अधिकारियों ने हम लोग के यहाँ एक कंप्लेंट दर्ज की थी कि उनके यहाँ से जो फ्लोर रहता है उसमें चोरी की वारदातें हो रही है। तो करीब 6 बार, 6 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में, उसको 10 से 12 बजे के बीच में लोग निकालते थे। तो उसके बाद हम लोगों ने उस पर केस दर्ज हुआ 297/18, और फिर जांच पड़ताल के बाद हम लोगों ने उसको बुजुर्ग गांव बांध है एक अथमलगोला थाना अंतर्गत, वहां पे उसका हम लोग को स्पॉट मिल गया जो पाइपलाइन से उसमें वो जोड़ करके वहीं पर निकाल करके ड्रम में भर करके लोग ले जाते थे। तो क्योंकि उस टाइम पे कोई आदमी तो था नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया कि उस पे वहां उस एरिया का 15 दिन का टावर डंप लिया और उसको बहुत टेक्निकल ढंग से उस बेसिस पे जो है अभियुक्तों को चिन्हित किया गया, जिससे क्लियर हो गया केस कि मतलब वो लोग आते थे वहां पे चोरी करते थे और फिर निकल जाते थे। इसमें जो है प्रमुख लोग चंदा गांव के थे और कुछ फतुहा के रसलपुर के रहने वाले हैं। उसमें दो की गिरफ्तारी हुई थी, एक तो जनार्दन यादव, जैसा कि आपको बताया गया है कि वो गिरफ्तार हुआ था फिर उसके बाद फरार हो गया। दूसरा शंभू यादव है जो जो है क्या कहते हैं SHO हतीदह, SHO पंडारक, SHO बेलची और SHO मराची, इन लोगों ने मिलकर के पकड़ा। और अभी जो है जो शंभू यादव है और जो अभियुक्त है, तो उसने हम लोग को जो बयान दिया है उसने जो साथियों के नाम बताया उसमें करीब 5 और एवं अन्य हैं। तो हम लोग अभी उन लोग को जल्दी से गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये केस जो है IOCL चोरी वाला ही डिटेक्ट हो गया है, बस 3 अभियुक्त और बाकी है। ये कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? एक की फतुहा से हुई और एक की चंदा गांव से ही हुई थी। ये जो फरार हुआ उसके लिए क्या पुलिस कर रही है? हम लोग उसमें लगे हुए हैं टीम लगा करके, मतलब जब से फरार हुआ है तब से ही उसकी खोज चल रही है। उम्मीद है कि जल्दी आज रात या कल तक पकड़ा जाना चाहिए।